ये वो रास्ता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ होती महल, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए रास्ता है, मैं लिए चलता हूँ आपको ऊपर। माय गॉड, इधर तो बिल्कुल ही अंधेरा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ होती महल, ब्रिटिश एम्पायर में बना हुआ ये महल, जो कि अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ मैं। माय गॉड, वाओ, राय बहादुर सुजान सिंह, बिल्कुल उनके महल की तरह ही है। ये मैं पहुंच गया फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर भी उनका इस तरह है जैसे थर्ड फ्लोर है, इतना ऊंचा है। वाओ, और मैं आज देख रहा हूँ सीक्रेट्स ऑफ होती महल। होती महल क्या था और क्या है या क्या रह गया है गुजरे वक़्त के पन्ने उठा रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ होती महल मर्दान। वहाँ पे कोई है, सामने कोई है। माय गॉड, बहुत हसीन यादें होंगी इस महल की, नवाब फैमिली की। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, और ये छत गिर चुकी है यहाँ से। ओह, कितना जो है वो डरावना है ये सब कुछ। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, कितना ये सब अजीबोगरीब है। माय गॉड, ये नेस्ट है और यहाँ पे चिड़िया ने एग्स भी दिए हुए हैं। वाओ, ये चैम्बर एक दूसरे में खुलते ही चले जाते हैं। ये देखिए आप, मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि मैं नॉर्थ साइड से दाखिल हुआ था और मैं इस वक्त जो है मैं ईस्ट साइड पे आ गया हूँ। कहाँ से कौन सा रास्ता किधर जा रहा है पता नहीं चलता। ये इसकी छत है, प्योर टीक वुड से बना हुआ सारा काम जो है अभी तक रियल कंडीशन के अंदर है, लेकिन गोइंग टू रॉइंस। माय गॉड, ये देखें आप, वाओ, मास्टरपीस तो इस तरफ है, आप देख रहे हैं होती महल, और मैं हूँ आपका अपना होस्ट बाबा जी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ द सीक्रेट्स ऑफ होती महल। गुमनाम है कोई अनजान है कोई, बदनाम है कोई। मुझे ये सब याद आ रहा है, और मुझे अहदे रफ्ता जो गुजरा हुआ वक़्त था उसका एक एक पल याद आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि किस कदर
खूबसूरत होंगे ये सब चैम्बर्स, किस तरह आबाद होंगे। और ये आप देखिए ऊपर बाकायदा तौर पे चेयर्स बनी हुई हैं, ये बहुत बड़े बड़े बेंचेस लगे हुए हैं कि शाम को व्यू करने के लिए। वाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारे बर्ड्स इस वक्त, ये बिल्कुल उसी पुरानी हवेलियों की तरह है जो कि जो है हम पुरानी मूवीज़ में देखा करते थे, और कभी भूत बंगले में और कभी वो इसी तरह के सीक्रेट चैम्बर्स हुआ करते थे। ये देखिए आप कितना बड़ा लॉक लगा हुआ है इसको। हाँ, ये चैम्बर बंद है। वाओ, ये रास्ता नीचे चला जाता है और ये खुला नहीं है ऊपर से। मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। हाँ, वहाँ से होगा दूसरी तरफ से। ये कुछ और ही दिखाई दे रहा है, ये देखें आप उसी दौर का लगा हुआ लॉक, कोलकाता मेड। फूल कहीं भी खिल सकते हैं। हाँ देखिए जी, वो चैम्बर लॉक है। आई थिंक दैट इज़ अ मास्टर चैम्बर, वो मास्टर चैम्बर है। सिर्फ अलमीराज देखिए आप, टिक वुड में बनी हुई इतनी ज़्यादा हैं कि बंदा एक मरता देखता है तो देखता ही रह जाता है। रास्ते कहाँ से कहाँ जाते हैं, माय गॉड। मैं आपका अपना होस्ट बाबा जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ हौती महल। आप देख रहे हैं सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान एंड पंजाब पेज द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। और ये देख रहे हैं आप सीक्रेट चैम्बर्स ऑफ हौती महल। हर एक में फायरप्लेस बना हुआ है और हर एक में एक दरवाज़ा ऐसा है जो दूसरे दरवाजे में, दूसरे कमरे में जाके खुल जाता है, दूसरा दरवाज़ा तीसरे कमरे में खुल जाता है, तीसरा चौथे में जाके खुल जाता है। एंड जैसे है जैसे ये बिल्डिंग पूरी कोई भूल भुलैया हो और देखने वाला इसको देखता ही रह जाता है। दाद देता हूँ बनाने वाले को, दाद देता हूँ उन लोगों को जिनके पास ये मिल्कियत है, और अगर इसकी मेंटेनेंस हो तो क्या बात है। और अगर इस महल को आबाद किया जाए एज ए टूरिस्ट प्लेस के लिए और लोगों को ऑफ़र किया जाए तो क्या बात है। मैं कहता हूँ कि अमेजिंग। तो देखते रहिए, ये है मेरा पाकिस्तान, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान और सेव गुरुद्वारास एंड टेम्पल्स ऑफ पाकिस्तान। भाई ऊपर, अच्छा जी वो रास्ता शायद बंद है, तो मैं आपको, मिर्ज़ा साहब आप भी साथ होते तो मज़ा आ जाता। लॉक को देखा जा रहा है कि शायद ये, लेकिन इसके लिए ना कोई स्टेयर्स हैं ना कुछ हैं, ये बहुत बड़ा हॉल है। हाँ, लॉक भी बहुत पुराना है और इसको बंद रखा गया है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इस महल की बंद कर दी गई हैं जहाँ से लोग डर जाते हैं। सर कहाँ से, नीचे देखा हुआ अभी? नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं देखा। इसको देख के फिर नीचे कहाँ है, ये जगह है। ओके जी, इसका एक और चैम्बर है। माय गॉड, ओके, ये तो वही जगह है जहाँ से हम इंटर हुए थे।
फिर ऊपर चलते हैं। ये जो आपने बोला था वो रास्ता ये वही है जो बंद किया हुआ है। ये जो बंद है जो चैम्बर जब मैं इंटर हुआ था तो आपको बता रहा था कि वो रास्ता है जिसको बंद किया गया है। ये देखिए आप, एक दिल हिला देने वाली जगह है जो कभी बहुत आबाद थी, अब गैर आबाद हो चुकी है। यहाँ पर ये भी बंद है। हाँ, ये भी रास्ता ऊपर जाता था लेकिन ये भी बंद है। बहुत ज़्यादा सारे रास्ते इसलिए बंद कर दिए गए हैं। माय गॉड, किस तरह डेथ हो गई थी? बस वो अंदर आया और फिर मुर्दा पाया गया, इधर पड़ा हुआ। बता रहे हैं कि यहाँ पे मतलब एक अकेला शख्स आया था और जब कुछ कितनी देर के बाद वो मुर्दा पाया गया? वो सुबह एक अंदर आया था, जब शाम को लोग आए तो वो पड़ा हुआ। सुबह एक शख्स आया, शाम को जब लोगों ने चेक किया तो यहाँ पर उसकी डेथ हो चुकी थी। माय गॉड, 8 महीने पहले की बात है। और उसके बाद से ये पोर्शन महल का बंद है, यहाँ पर विजिट करने की इजाज़त नहीं है। इधर काम करता था लेकिन अभी वो उसकी तनख्वाह भी जा रही है, उसके फैमिली को भी। गुड, कह रहे हैं कि जो बंदे की डेथ हो गई है वो यहाँ के जो नवाब साहब हैं, नवाब होती, वो अभी तक उसकी सैलरी जो है उसके घर जाती है और समझ नहीं आई कि उसकी डेथ क्यों हो गई। लेकिन ये जगह बहुत खौफनाक है, बहुत डरावनी है। ये ग्राउंड फ्लोर के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए और ये सेकंड फ्लोर जो है हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये नहीं खुलता है। वीली अगर महल को रिपेयर करवाया जाए तो ये बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा महल है। यहाँ पर तो तकरीबन कोई 20 फैमिलियाँ आबाद की जा सकती हैं। ये देखें आप, जिसके मैं ज़िक्र कर रहा था कि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है। ये देखें आप, फाइनली मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं होती महल, और होती महल से नज़ारा होता है पूरे मर्दान का। ये जो चैम्बर गिर चुके हैं, ओह गॉड, ये बहुत खस्ता हालत है इसकी। ये मैं आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पे लोग बैठा करते थे, और ये देखें साथ ही, ओह माय गॉड, ये टूटा हुआ है सारा। थोड़ा सा आगे जाता तो शायद मैं नीचे गिर जाता। ये फर्स्ट फ्लोर, ये जहाँ पर भी मैं आपको लेकर गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ होती महल। होती महल का पार्ट वन है ये, अभी पार्ट टू जो है वो दूसरी तरफ है। ये है इतना बड़ा, किसको ठीक, ये सारा इस पोर्शन में भी गया हूँ मैं। वहाँ पर किचन है। ये कहाँ खुलेगा इसका मुझे पता नहीं, देखते हैं। ओके, मैं जो तस्वीरें लेनी है थोड़ी सी। ये जो है वो चैम्बर है, होती महल के सीक्रेट चैम्बर्स हैं। शायद मुझसे पहले किसी ने कभी इसकी वीडियो भी ना की हो। ये पड़ा हुआ है बेबी पालना। और आप देख रहे हैं होती महल, होती महल में मैं आपको दिखा रहा हूँ सीक्रेट चैम्बर्स, जो कि ख़राब होने की वजह से या पुराने होने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। तो देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस
ऑफ पाकिस्तान, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ होती महल में। वो होती महल कि जो मेरी बहुत देर से ख्वाहिश थी कि मैं इसको देखूं और आप लोगों को दिखाऊं। ये बहुत ज़्यादा सारे बेंचेस लगे हुए हैं फैमिली के बैठने के लिए, चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी सीट्स लगी हुई हैं। शहर का नज़ारा करने के बाद यहाँ पर बैठते हैं आप आके। अमेजिंग थिंग्स, देखते रहिए सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपका अपना होस्ट बाबा सिंह।